कुछ हजार साल पुरानी बात है, भारतवर्ष हर क्षेत्र में फल फूल रहा था। धर्म, अर्थव्यवस्था, समृद्धि और पौरुष में इसका कोई सानी नहीं था। जहां दूसरे महाद्वीपों में देश पाषाण युग से ही बाहर निकलने में जूझ रहे थे, तब भारत विज्ञान, आध्यात्म, योग और साहित्य के क्षेत्र में शोध कर रहा था, जो इसके प्रबल स्तंभ थे। अब अगर किसी में इतने सारे गुण हो तो दुनिया की नजर में आना अनिवार्य है। विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर इस महान भूभाग पर पड़ी और हमारे अपनों की ही मिली भगत से, जिसने जब चाहा लूटा, खसोटा, मंदिर एवं कई महान शैक्षणिक संस्थानों का विध्वंस किया, वो भी एक नहीं सैकड़ों बार। हमें सोने की चिड़िया कहते थे,